अभी मैं किसी कंपनी में जा रहा हूँ, मैं पूछता हूँ वहाँ पे प्रॉब्लम सर आपके टर्नओवर, एक सारी चीज़ें डायग्नोस कर लेता हूँ, क्या टर्नओवर है, कितना ये है, कितने लोग हैं, पता चल जाता है 20 करोड़ टर्नओवर है। अभी दादर में एक कंपनी का हमने क्लोज किया है 6 लाख में, 20 CR टर्नओवर है। तो पहले हमने ये पता कर लिया इसका कैपेसिटी कितनी है, यहाँ 2 लाख वाला नहीं चलेगा, यहाँ बड़ा प्रोडक्ट देना पड़ेगा कुछ हमको। 6 लाख दिया, 6 लाख में क्लोज हो गया, तो हमको मालूम पड़ा शायद अभी भी हमारे प्रोडक्ट का कॉस्टिंग जो है कम है, इसको और ज़्यादा होना चाहिए, ये हमको लगा क्योंकि फर्स्ट उसमें क्लोज हो गई। गारमेंट्स वाला बंदा है, तो वहाँ पर जब हमने बात की तो पहले पूछा क्या चैलेंजेस आ रहे हैं सर। चैलेंजेस ये आ रहे हैं कि लोग जो आते हैं, लोग थोड़े दिन में काम करते हैं, सीखते हैं, बाद में निकल जाते हैं और अपने सामने कंप्यूटर बन के खड़े हो जाते हैं। कब से प्रॉब्लम, ये तो अपने लाइन का प्रॉब्लम है, पहले से प्रॉब्लम है, इनको सिखा भी नहीं सकते हैं। ओके, और अगर सर यही लंबा टाइम प्रॉब्लम चलता रहा तो क्या होगा? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, बीमारी को आइडेंटिफाई किया तुमने और फिर बोला यही बीमारी अगर लंबे टाइम तक कैरी करोगे तो क्या होगा, तुम्हारे सारे ऑर्गन्स जो है वो खराब होने लगेंगे, किडनी फेल होगा, फिर तुम्हारा लीवर फेल होगा, फिर तुम्हारा ये फेल होगा, फिर तुम्हारा ये फेल होगा, और बाद में तुम्हारा क्या होने वाला है। तो तुमने उसको डायग्नोस किया, उसके बाद पता किया अगर ये प्रॉब्लम लंबे टाइम तक चलेगी तो क्या होगा, लंबे टाइम तक चलेगी तो फिर सर्वाइव नहीं हो पाऊंगा मैं। और इस प्रॉब्लम को अगर मैंने 6 महीने में सॉल्व कर दिया तो क्या बात करो, बहुत बढ़िया है, तो फिर सच में पॉसिबल है क्या? हमने किया है, देखो ये केस स्टडी हमने इसके साथ में ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, पहले तुमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, फिर तुमने बताया उसके इंप्लीकेशन, अगर ये लंबे टाइम तक बीमारी रहेगी तो उसका क्या होगा, और उसके बाद तुम सोल्यूशन बताते हो अगर मैंने ये कर दिया। वो बोलता है ऐसा पॉसिबल है, तो मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, इसके लिए आपको ये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो बंदे के साथ पहले कनेक्ट होना है, उसके साथ तुमको डायग्नोस करना है, एग्जामिन करना है, उसके बाद ही प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट देना है, ताकि वो कस्टमर मेरे साथ 20 साल तक लंबा चल सके। मेरा 10 से 20 साल तक का गेम है, 1 साल का नहीं है, मतलब 1 साल बेच के एक सेल क्रैक करके खत्म नहीं करना है मुझे, नेक्स्ट आगे भी काम करना है मेरे को। ये डील क्लोज कर दूं, बिल भर दूं, मेरे सारी चीज़ें, उसके बाद देखेंगे बाद में क्या होता है, वैसा नहीं करना है मुझे, लंबे टाइम का गेम खेलना है मुझे। तो ये कॉन्सेप्ट पे तुम्हें काम करना है। दूसरी चीज़, जब तुम टेलीफोन यूज़ करते हो, सबसे पावरफुल डिवाइस है, और मैं जब बात करता हूँ लोगों से, मैक्सिमम जगहों पे लोगों ने मेरे को यही फीडबैक दिया कि सर मेरे को कॉलिंग नहीं जमेगा, टीम के साथ बैठा हूँ मैं, राइट निर्मल जी, पूजा बराबर है, कॉलिंग नहीं जमेगा अपने को। कई लोगों ने मुझे बोला कॉलिंग नहीं जमेगा, बहुत से लोगों ने बोला है दादा करके कॉलिंग नहीं जमेगा, और सेल्स करना है उनको। और सबसे पावरफुल टूल है टेलीफोन, क्या यूज है टेलीफोन के, कोई बताएगा मेरे को टेलीफोन के यूज क्या है? ट्रेवलिंग टाइम कौन बचता है, हाँ अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है, और हाँ हाँ सोशल साइट से कनेक्ट हो सकते हो, पीछे कनेक्टेड पीछे, हाँ टाइम बचेगा, और डायरेक्टली तुम किसी के साथ भी कनेक्ट हो जाओगे। अगर किसी बंदे से मिलने आए तुमको फ्लाइट लेना पड़ेगा, ट्रेन से जाना पड़ेगा, गाड़ी से जाना पड़ेगा, तुम्हारा कॉस्टिंग बढ़ेगा, और यहाँ पे उठा के तुम 15 लोगों से 15 मिनट में बात कर सकते हो, जिसको नहीं जानते उसके साथ कनेक्ट हो सकते हो। तुमको गाड़ी लेना है, बंगला लेना है, फार्म हाउस बनाना है, सब कुछ बनाना है, सब कुछ इसी डिवाइस से बनेगा, जिसको तुम अगर सही तरह से यूज करना सीख जाते हो, तुम्हारे सारे सपने यहीं से पूरे होने वाले हैं। तुम ये डिवाइस को सही तरह से यूज करना सीख जाओ, और ये डिवाइस तुमको सही तरह से यूज करना नहीं आता, इसलिए तुम भागते हो, बोलते हो मेरे को टेलीफोन यूज करना नहीं आता है। आराम से तुम 15 लोगों से, 20 लोगों से, 50 लोगों से तुम कनेक्ट हो सकते हो इस टेलीफोन के थ्रू। एक एवरेज आदमी दिन में कितने कॉल करता है? 10 कॉल करता है एक एवरेज आदमी, देखोगे महीने के 250 कॉल कर लेता है, राइट? 92% जो कस्टमर का इंटरेक्शन होता है कहां पे होता है? फोन पे होता है। कोई भी चीज जो कस्टमर लेने जा रहा है या देखने जा रहा है या खरीदने जा रहा है वो कहां पर आता है सबसे पहले, कहां मिलता है हमको? टेलीफोन से कनेक्ट होता है, वेबसाइट के थ्रू भी, तो भी टेलीफोन से कनेक्ट होगा। और 85% लोगों का ये फीडबैक है कि हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए उन क्लाइंट के साथ में, क्योंकि उन लोगों को भी मेजोरिटी जो लोग हैं टेलीफोन को यूज करना नहीं जानते हैं। और जब हम इसको टेलीफोन को सही तरह से यूज करना जान जाएंगे तो डेफिनेटली हमको भी अपॉइंटमेंट मिलना शुरू हो जाएंगे। क्यों नहीं यूज करते हम लोग टेलीफोन को? कितने लोग यूज नहीं करते टेलीफोन को कॉलिंग के लिए, और कितने लोग यूज करते हैं सेल्स के लिए? यूज करते हो, हाथ थोड़ा सा नीचे हो गया, क्यों नहीं यूज करते हो? और यूज करते हो तो रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है? कोई शेयर करेगा मुझे कॉलिंग करके क्लाइंट को किस तरह से बात करते हो, एक डेमो कॉल किस तरह से बात करते हो, क्योंकि हम लोग इस पे बात करने वाले हैं कॉलिंग कैसे करना है। गुड मॉर्निंग सर, आई एम विनोद फ्रॉम कॉल इंडिया। सर रिगार्डिंग एयर कंडीशन के बारे में आपसे बात करना है। फिर उसके आगे आगे जैसे बात करते हो करो बात, पूरी बात बताओ, क्योंकि जब पता चलेगा तो हम कुछ काम कर सकेंगे ना उस पर अच्छी तरह से, कैसे होना चाहिए बोलो। सर आपके बारे में एसी के लिए आपसे मिलना था आपके। सर कब मिल सकता हूँ आपसे? कब मिल सकता हूँ आपसे? ओके, जैसे कॉलिंग करते हो बताओ, कोई बात नहीं है, ताकि पता चले अपने को कॉलिंग पे हम लोग काम कर सके अच्छी तरह से। हेलो, गुड मॉर्निंग,
मैं निर्मल जी के ऑफिस से बोल रही हूँ। आपका ड्यू है रिन्यूअल्स का, तो आप कब तक पे करोगे? कब तक पे करोगे? ओके, हेलो, गुड मॉर्निंग सर, मी इजी फाइनेंशियल सोल्यूशन मधून बोलते हैं। रिगार्डिंग होम साठी तुमचा जस्ट कॉल आलेला की तुम्हाला न्यू लोन पाहिजे, त्यासाठी मी सांगते त्यांना प्रोसेस वगैरे। ओके, संजय भाई कैसे कॉल करते हो आप? गुड मॉर्निंग, विराजगढ़ फोर्स से संजय बोल रहा हूँ। आपको मैं लास्ट हफ्ते में कॉल किया था रिगार्डिंग सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइडिंग, तो उसके बारे में आप भी बात कर सकता हूँ आपसे। ओके, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अलग अलग देखा हमने, कुछ लोग नाम बोल रहे थे, कुछ लोग नाम नहीं बोल रहे थे। हेलो, और डायरेक्ट शुरू कर देते, मैं यहाँ से बोल रहा था, मैं वहाँ से बोल रहा था, तो गलत कॉल क्या करते हैं, कैसे करते हैं हम लोग। आई एम सलमान खान कॉलिंग फ्रॉम सफल ट्रांसफॉर्मेशन, आई एम पूजा मोरे कॉलिंग फ्रॉम सफल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब पूरा नाम ले लेते हैं वो लोग, या फिर नाम नहीं लेते हैं, राइट? और मेरी कंपनी ये कर रही है, ये कर रही है, लोगों के सेल्स के हमने ये किया है, हमारी कंपनी के जो ट्रेनर है वो NLP सर्टिफाइड है, मुंबई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं, ये किया ये किया, और हमारी कंपनी आपकी कंपनी का सेल्स जो है 50 से 60% बढ़ा सकती है, तो मुझे उसके बारे में मिलना था, राइट? तो सर हम कब मिल सकते हैं? एंड दिस इज अ रॉन्ग कॉल, और जो जितने भी कॉल देखे सब रॉन्ग कॉल है। इस पे तुमको अपॉइंटमेंट मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है, उस भगवान को परमात्मा को प्रणाम करो, फिर भी मिल रहा है, इस पे बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए तुमको, ये रॉन्ग कॉल है, राइट? राइट कॉल किस तरह से करोगे, तुम कॉल करोगे और तुम्हारा सिर्फ फर्स्ट नेम बोलोगे या लास्ट नेम बोलोगे, शॉर्ट में बोलोगे, अगर नाम कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको कुछ निक नेम रख लोगे तुम, वो नाम बोलोगे। कॉल सेंटर में जब तुम देखते हो लड़कियां, उनके नाम चेंज रहते हैं, सोनी, मोनी, फरा, ऐसे कुछ नाम रहते हैं, उनके रियल नेम कुछ और होते हैं, ताकि सामने वाला उसी में उलझ के नहीं रह जाए। नाम क्या बताते हैं वापस, सॉरी, बहुत एक मिनट, पहली बार सुना, बताइए क्या क्या बोला आपने, फिर उसको स्पेलिंग आउट में बताता है ना, ऐसा नहीं, उसको पहला ऐसा फिर वैसा, उसमें चले जाते हैं और सेल साइड में रह जाता है हमारा, राइट? तो तुम्हारे बंदों के अगर नाम प्रॉपर नहीं है तो उनको नाम छोटे छोटे नाम दे दो, बोला ये नाम दे, आदमी कंफ्यूज नहीं होगा, ये मार्केट में बहुत चल रहा है, सोनी टीवी सोनी दे देना, ठीक है? तो फर्स्ट नेम बोलना है तुम्हारे को। नेक्स्ट, तुम कितने बड़े तुर्रम हो, तुमने लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट किया, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, तुमने ये किया वो किया, तुमने कॉल किया है मुझे, मेरा इसमें क्या बेनिफिट है, मुझे क्या मिल रहा है इसमें, आदमी को इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी स्टोरी में, आदमी को इंटरेस्ट है कि मेरे लिए इसमें क्या मिल रहा है। तो तुम कॉल करके बोलते हो हमारी कंपनी ने एक टूल बनाया है जिससे आपकी सेल्स 40 आपकी जैसी कंपनी की सेल्स 40 से 60% बढ़ी है, तो मैं वो सिस्टम आपको दिखाना चाहती हूँ जिससे आपकी कंपनी की भी सेल 40 to 60% बढ़ जाएगी। और अगर मैं जो बात बोल रही हूँ, अगर इसमें आधी भी मैंने प्रूफ कर दी सर, 60 का 30% भी अगर मैंने प्रूफ कर दी कि आपकी सेल्स जो 20% बढ़ सकती है, उसके लिए आपको 10 मिनट निकालना पड़ेगा। तो सर हम लोग कल सुबह 10 बजे मिल सकते हैं या शाम में 4 बजे मिल सकते हैं इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए। मैं कब आऊं और कब मिलूं, ये ओपन क्वेश्चन है, ये कभी नहीं करना है हमको, क्या करना है, स्पेसिफिक टाइम देना है, मैंने डिसाइड कर लिया है। तो मैं कल आ रही हूं, कल 10 बजे मिलूं या शाम में 4 बजे मिलूं, मैं कल 10 बजे मिल सकते हैं या परसों शाम में 5 बजे मिल सकते हैं, एक सुबह का टाइम दे दिया, एक शाम का टाइम दे दिया, क्योंकि आदमी उसमें से चूज करेगा, पिक करेगा कौन से टाइम पे मिलूं मैं, मिलना तो है, क्योंकि जब मैं बोलता हूं कि कब मिलूं तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि तुमसे भागने की, निकलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, निकलने का कोई रास्ता तुम छोड़ोगे नहीं। समझ में आ रहा है राइट कॉल और रॉन्ग कॉल किस तरह से तुमको बात करनी है, तो तुम्हारे से बात करके सामने वाले को क्या बेनिफिट मिल रहा है। फॉर फ्री बिजनेस टिप्स मैं चाहता हूं, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट ज्यादा ज्यादा कीजिए, ताकि आप इससे कनेक्ट रहें और आपको फ्री टिप्स मिलते रहे मेरे प्रोग्राम्स के, और जिसकी वजह से आपके बिजनेस में ग्रोथ आना शुरू हो जाए 10 to 30%, 30 to 80%। तो कनेक्ट रहिए मेरे पेज से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।